हाँ तो बहन अमर कौर, कह दे मेरे भाई, इस जेल के अंदर तुम्हारा क्यों आना हुआ है? आना इसलिए हुआ है मेरे भाई कि तेरी ये बहन अमर कौर तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई है। इस आजादी की जिद को छोड़ और मेरे साथ घर चल, क्योंकि कुछ दिन के बाद राखी का त्योहार आने वाला है। मेरे भाई भगत सिंह, मेरा तो एक तू ही भाई है, अगर तुझे ही कुछ हो गया तो मैं किसकी कलाई पर राखी बांधूंगी? इसलिए तेरी बहन अमर कौर तुझे अपने साथ ले जाने के लिए आई है मेरे भाई। सभी लोग तेरी बाढ़ देख रहे हैं, चल मेरे साथ। बहन अमर कौर, मैं घर वापस नहीं जा सकता। लेकिन क्यों मेरे भाई? क्योंकि मैंने एक संकल्प किया है। कैसा संकल्प? मैंने एक कसम खाई है, जब तक मैं अपनी भारत माता को आजाद नहीं देख लूंगा, तब तक इस मातृभूमि को आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक मैं घर वापस नहीं जा सकता। लेकिन मेरे भाई भगत सिंह, तू इस देश को आजाद कराना चाहता है, पर ये बता तेरी से देश को आजाद कराने में कौन लोग तेरा साथ देंगे? तू अकेला इस जंग को नहीं जीत पाएगा मेरे भाई, छोड़ दे इस जीत को और मेरे साथ चल। बहन अमर कौर, मैं घर वापस नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे दादाजी मुझे पढ़ाया करते थे, मेरे चाचा जी मुझे पढ़ाया करते थे, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाया करते थे कि बेटा भगत सिंह, इन गोरे अंग्रेजों से इस भारत देश को आजाद कराना है। और मैंने तो सिर्फ और सिर्फ एक क्रांतिकारी पुस्तक पढ़ी है, और मेरे रगों में एक क्रांतिकारी खून दौड़ता है। मैं बहन, तू ये बता, मैं इस भारत देश को छोड़ करके कैसे तुम्हारे साथ? तो ठीक है मेरे भाई, अगर तू मेरे साथ चलना नहीं चाहता तो तेरी ये बहन अमर कौर तुझसे कुछ फरियाद करने के लिए तेरे पास आई है। सुन मेरी बात। कहिए बहन, क्या? सुन ले मेरी बात मेरे भाई। कहिए बहन अमर कौर, क्या कहना? जब आवेगा भगत सिंह, सुन ले, मैं भी कुछ फरियाद करना चाहता हूँ। कह दे मेरे भाई। इस देश ते जुड़ा है बहन प्यार हो, ओ बेबे क्यों घबराई, यो भारत रहेगा तेरे साथ। जब आवेगा भगत सिंह त्यार हो, ओ मेरी माँ के जाए बांधूंगी मैं राखी किसके हाथ में, ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में। गली और कुटम कबीला सभी के मलाल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा, मतलब का जमाना सारा किसी को न ख्याल होगा। जीना है बेकार,
कोन्या मेरे देश की खातर जान जोखते उसे ही कया जा शेर हसी खुशी घर वापस जाइए हसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही सगेर हसी खुशी घर वापस जाइए आंसू क्यों रही सगेर झीले ना किसी पे ऐसी मार हो करे मन के चाहे पति ना समाई मेरे गात में ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में करेगा मेरे भाई भगत सिंह माँ ने सपना देखा था कि भगत सिंह की शादी होगी और एक सुंदर सी दुल्हन हमारे घर में आएगी लेकिन मेरे भाई भगत सिंह अब कौन तो मेरी माँ के लिए दुल्हन लेके आएगा और कौन मेरे लिए भाभी लेके आएगा मेरे भाई भगत सिंह जवाब दे मुझे इस बात का है बहन अमर कौर मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ हर माँ का एक सपना होता है हर पिता का एक सपना होता है कि मेरा बेटा और बेटी बड़ा होकर के मुझे सुख देगा मुझे ऐश और आराम देगा लेकिन मैं एक भगत सिंह ऐसा हूं जो कि अपने माता पिता को एक बहुत बड़ा सुख दे करके जाने वाला हूं और बहन यह भी मैं भली भांति जानता हूं एक बहन का भी बहुत बड़ा योगदान होता है एक भाई के लिए बड़ी खुशी मनाती है बहन कि मेरे परिवार में मेरा भाई भगत सिंह शादी करके लाएगा मेरी सुंदर सी भाभी आएगी सुंदर सी दुल्हन मेरे परिवार में आएगी मेरे मान सम्मान को बढ़ाएगी मेरे माँ बाप की सेवा करेगी लेकिन बहन अमर कौर मैं तुम्हारे सपने को जरूर पूरा करूंगा और तुम्हारी इतनी सुंदर भाभी लेकर के आऊंगा और अपने माता पिता का जो नाम रोशन करेगी क्या उस भाभी का नाम पूछना चाहोगी बिल्कुल पूछना चाहूंगी मेरे भाई उस भाभी का नाम होगा सिर्फ और सिर्फ आजादी आजादी नाम की दुल्हन में लेकर के आऊंगा जो हर घर में सजेगी और हर घर की दुल्हन बनेगी मैं एक ऐसी दुल्हन लेकर के आने वाला हूँ बहन अमर कौर सुन मेरी बात कहिए क्या कहना चाहती हो भगत सिंह वाह बड़े बड़े दुखड़े ठाए बेटी मेरा बूढ़ा पकट जागा न्यू तुझसे आस लगाए बैठी ओ मेरा बूढ़ा पकट जागा न्यू तुझसे आस लगाए आजादी के ढोल बजे जब पूरी हो जा मेरी आस भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए सारी आस भोली भाली बहन कहानी सुनती जाइए
के लिए आई थी और तेरी ये बहन अमर कौर फिर तुझसे एक बार फरियाद करना चाहती है और ये कहना चाहती है कि मेरे भाई भगत सिंह तेरी इस बहन को कोई आजादी नहीं चाहिए, नहीं हमें देश आजाद कराना, मुझे सिर्फ मुझे मेरा भाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए मेरे भाई, छोड़ दे जिद को, इस देश को आजाद कराने की जिद छोड़ मेरे भाई, छोड़ दे जिद को। कैसी बात करती हूँ, तू तो एक शेर की बहन है और शेर की बहन के आंखों में आंसू और शेर की बहन अगर हारी हुई सी बात करे तो ये तुझे शोभा नहीं देता। लेकिन मेरे भाई अगर तू ही नहीं रहेगा तो मैं कैसे जीऊंगी मेरे भाई, तू छोड़ दे जीत को, क्योंकि मेरे भाई भगत सिंह तू अकेला इस देश में आजादी नहीं ला सकता, तेरे जैसे पता नहीं कितने क्रांतिकारियों ने इस देश पर जान की बाजी लगा दी लेकिन देश आजाद नहीं हुआ, फिर तू अकेला इस देश में आजादी कैसे लेकर आएगा मेरे भाई, छोड़ दे जीत को। बहन अमर कौर मैं अकेला नहीं हूँ, जब वक्त और समय बदलेगा और दशा बदलेगी तो हर हिंदुस्तानी का युवा एक भगत सिंह बनने के लिए तैयार हो जाएगा इस भारत देश का। सुन ले मेरी बात, कह दे क्या कहना चाहती हो। डगमग हृदय डोल रहा मेरी आंखों से रुके नानी, ब्याह भात के मौके पे कोड़े भगत सिंह उड़ावे छी, मौके पे कोड़े भगत सिंह उड़ावे छीर। हे बहन द्रुप, हे बहन अमर कौर, मैं भी तुमसे एक फरियाद करना चाहता हूँ। कह दे मेरे भाई। मेरे माता पिता को समझाना होगा और अपना पत्थर का दिल करना होगा। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूँ। कह दे मेरे भाई। ब्याह भात के मौके पे कोड़े भगत सिंह उड़ावे छीर, ब्याह भात के मौके पे कोड़े भगत सिंह उड़ावे छीर। भाई तू शेरा की बहन शेर दी, लीजे नाम माता जी को समझाना और दादा को कहना प्रणाम, दुहल जबानी पे पड़ जा जो भारत माता है गुलाम, दुहल जबानी पे पड़ जा जो भारत माता है गुलाम। माया तेरी करता दिखा है, मैं भी मरूंगी तेरे साथ में, ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में। काम कर दे। क्या बात है बताइए बहन। काम सिर्फ तुझे ये करना है मेरे भाई भगत सिंह, जिस हाकिम ने तुझे सजा सुनाई है उस हाकिम से एक बार अपनी बहन को मिला दे, तेरी ये बहन अमर कौर उस हाकिम के हाथ जोड़ेगी, पैर पकड़ेगी, झोली फैलाकर भीख मांगेगी और कहेगी कि मेरे भाई भगत सिंह को छोड़ दो, चाहे बेशक से मुझे फांसी लगा दो लेकिन मेरे भाई भगत सिंह को फांसी मत लगाओ, ये कहेगी तेरी बहन अमर कौर। लेकिन मेरे भाई एक बार उन हाकिम से अपनी बहन को जरूर मिला दे। हे बहन अमर कौर, तुम कहती हो कि मुझे उस हाकिम से मिलवा दो। हाँ मेरे भाई। जिसने तुम्हें
फांसी की सजा सुनाई है। हाँ मेरे भाई, मैं उनसे माफी मांग लूंगी, उनके पैर पकड़ लूंगी। हाँ। और तुझे फांसी नहीं होगी। हाँ। नहीं बहन अमर कौर, मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकता इस काम का, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, और बिल्कुल भी तुझे माफी नहीं मांगने दूंगा। अरे माफी तो दो प्रकार के लोग मांगते हैं, एक तो माफी वो मांगता है जो किसी का गुनहगार होता है, और एक माफी वो मांगता है जो अपने भारत देश का गद्दार होता है। बहन अमर कौर, तेरा ये भाई भगत सिंह ना तो उन अंग्रेजों का गुनहगार है और ना ही अपने भारत देश का गद्दार है। ये सर कट तो सकता है लेकिन ये सर झुक नहीं सकता। बहन अमर कौर, ये सर झुक नहीं सकता। मेरा नाम भगत सिंह है। सुन मेरी बात, कहिए क्या कहना चाहती हो। राजगुरु सुखदेव भगत को हो, राजगुरु सुखदेव भगत को कोई तो समझा दो भाई, जिसे हाकिम ने सजा सुनाई उससे मुझे मिला दो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई, बेशक मुझे लगा दो फांसी मेरे भाई ने बचा लो भाई। यार ये बच्चा बच्चा जे बोलेगा, बच्चा बच्चा जे बोलेगा, बहन मेरा बलिदान होगा तेरी राखी के नेगे जोग में, तेरी राखी के नेगे जोग में, बहन मेरा बलिदान होगा कह जय करण। सजनों अगर लाइन अच्छी और सच्ची लगे भगत सिंह की तो ताली बजा करके समर्थन कर देना। कह दिया क्या, अरे कह जय करण न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा, कह जय करण न्यू कह दी तेरा बात ही हिंदुस्तान होगा, सुनेगा सभी संसार वो हो यो पूजा गावे सुरीति लगा के दुर्गे मात में, इस देश से जुड़ा है बहन प्यार हो, बेबे क्यों घबराई हो, भारत रहेगा तेरे साथ में, जब आवेगा भगत सिंह त्यौहार हो मेरी माँ के जाए बातों की राखी किसके हाथ में, ओ बहना भारत रहेगा तेरे साथ में।